Hey guys, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस नए गैजेट्स के काउंटडाउन में, जिनमें आपको एक से बढ़कर एक अमेजिंग गैजेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेजर कीबोर्ड, फेक आरसी क्रोकोडाइल और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्केट्स। और भी काफी सारे गैजेट्स मौजूद हैं इस वीडियो में, जिन्हें आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज भी कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा आखिर तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आरसी क्रोकोडाइल। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि मगरमच्छ कितनी खतरनाक होती है, जिसे अगर पानी में स्विम करते हुए देखा जाए तो उस पानी में उतरने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है, सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। खैर, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ फेक क्रोकोडाइल प्रैंक करना चाहते हैं तो मिलिए इस कमाल के फेक आरसी क्रोकोडाइल से, जो दिखने में बिल्कुल एक रियल ही मगरमच्छ का सर लगता है। वैसे होता तो बस एक टॉय जिसे बोर्ड का डिजाइन दिया गया है, और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको इसके साथ देखने को मिलेगा इसका अपना रिमोट कंट्रोलर, जिसमें दो जॉयस्टिक्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक होता है अपवर्ड बैकवर्ड, साथ ही दूसरा होता है राइट और लेफ्ट घूमने वाला। तो गाइस, ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉय किसी को भी डराने के लिए काफी बेहतर है। वैसे अगर आपको ये टॉय पसंद आ चुका है तो आप इसे 5400 रुपीस में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। टर्बो जेट्स। तो अगर आप रास्ते पर बिना अपने पैरों को चलाए कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए पेश है इलेक्ट्रिक टर्बो जेट्स, जिसे आप अपने पैरों में शूज की तरह पहनकर छोटे मोटे डिस्टेंस को इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देख लेते हैं इसका सेटअप। तो गाइज, आपको इसके बॉक्स में 5 आइटम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें टर्बो जेट्स, बैटरी और उसका चार्जर, 2 रबर हील इंसर्ट्स और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसे देखकर आप इन टर्बो जेट्स को आसानी से सेटअप कर सकते हैं। खैर, तो इन टर्बो जेट्स को पहली बार यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना होगा, जिसके बाद आपको इन्हें अपने पैरों में कुछ इस तरह से पहन लेना होगा, जिसके बाद जस्ट आपको स्टार्टिंग टॉर्क देनी है अपने पैरों की मदद से, कुछ इस तरह से, जिसके बाद ये टर्बो जेट्स अपना काम शुरू कर देंगे, मींस रन होने लग जाएंगे। और इसे स्टॉप करने के लिए आपको अपने सीधे हिल को स्लोली डाउन पोजीशन में लेकर आना होगा, तब जाके उसमें इंस्टेंटली ब्रेक लग जाएगा। सेराफिम कीबो। दोस्तों, अगर आप कीबोर्ड पर या फिर स्मार्टफोन के स्क्रीन पर टाइपिंग करके बोर हो चुके हैं तो आपके लिए आ चुका है वर्चुअल लेजर कीबोर्ड। और हाँ, वो लेजर नहीं है जिसे हम नॉर्मली यूज किया करते हैं, बल्कि ये एक लेजर टेक्नोलॉजी से बना हुआ कीबोर्ड होता है, जो सच में गाइस किसी को भी आसानी से चौंका सकता है, क्योंकि हम सबको पता ही है कि नॉर्मल आने वाले कीबोर्ड्स का साइज कितना बड़ा होता है, जिसे ट्रैवलिंग पर कैरी करना तो छोड़ो, उसे यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कीबोर्ड स्पेशली डेस्कटॉप के लिए ही बने होते हैं। लेकिन इस लेजर कीबोर्ड को आप ऑन दी वे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज जो इतना छोटा होता है, और साथ ही इसे यूज करने के लिए आपको स्पेशल सरफेस की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप इसे किसी भी प्लेन सरफेस पर रख के इजीली टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं इसे यूज किस तरह से किया जाता है। तो गाइज, आपको फर्स्ट करना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को ऑन, जिसके बाद आपको इसे अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ के जरिए आपस में कनेक्ट कर लेना होगा। फाइनली तब जाके वर्चुअल कीबोर्ड काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और इसमें आपको मोबाइल फोन होल्डर भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें लगी हुई बैटरी होती है 2500 mAh की, जो कि रिचार्जेबल होती है। खैर, तो अगर आप इस लेजर कीबोर्ड को परचेज करना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्मार्ट बल्ब। गाइज, आजकल हर कोई अपने घरों को स्मार्ट बनाना चाहता है, बट उन्हें स्मार्ट बल्ब को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत होती है कि आखिरकार कौन से ब्रांड का स्मार्ट बल्ब खरीदे, क्योंकि मार्केट में आपको चीप ब्रांड से लेकर अच्छे खासे ब्रांड्स तक के स्मार्ट बल्ब देखने को मिलते हैं, जिनकी प्राइस या तो ज्यादा होती है या फिर कम। तो अगर आप बजट में रहकर एक अच्छे से स्मार्ट बल्ब को परचेज करना चाहते हैं तो मिलिए इस MI कंपनी के द्वारा लॉन्च हुए स्मार्ट बल्ब से, जिसमें आपको एक दो कलर्स नहीं बल्कि आपको इसमें टोटल 16 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें वॉइस असिस्ट का भी फीचर इनबिल्ट होता है, जिससे कि आप इस बल्ब को अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से कंट्रोल कर पाएंगे। खैर, तो इस बल्ब को यूज करने के लिए आपको किसी भी स्पेशल होल्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस बल्ब को सीधे अपने नॉर्मल वाले होल्डर्स में ही फिट कर सकते हो, जिसके बाद आप इसके लाइटिंग इफेक्ट्स और ब्राइटनेस को इजीली अपने स्मार्टफोन से ही कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस, ये बल्ब 799 रुपीस में अमेजोन पर लिस्टेड है, जिसे आप चाहो तो नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। इनचार्ज 6। दोस्तों, जब बात हो चार्जिंग केबल्स को आउटडोर में कैरी करने की, तो उन्हें अपने साथ बैग में या फिर पॉकेट में कैरी करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर बैग में रख भी ले तो फिर टैंगल्स पड़ ही जाते हैं। तो अगर आप उन झंझटों से बचना चाहते हैं तो इनचार्ज 6 आपके लिए हाजिर है, जिसमें आपको 6 अलग अलग चार्जिंग पिन टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसके चलते इसका साइज भी बस एक छोटे से किचन की तरह ही होता है।
और बात की जाए इसमें मिलने वाले पिन टाइप्स की, तो इसमें आपको USB to USB-C, USB to Lightning, USB to Micro USB, USB C to USB-C, USB C to Lightning और साथ ही साथ USB C to Micro USB तक के पिन टाइप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अपने हर स्मार्ट डिवाइसेस को इजीली चार्जिंग कर सकते हैं, लाइक एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉच, GoPro वगैरह वगैरह। और अगर आपको इस केबल की लेंथ ज्यादा चाहिए हो तो उसके लिए आपको इसके साथ 5 फीट तक का केबल भी देखने को मिलेगा, जिसे आप डोमेस्टिक पर्पस यूज कर सकते हैं। 4-in-1 टूल। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा प्रोडक्ट एक 4-in-1 टूल किट है, जिसे स्पेशली कार के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि गाइस मार्केट में आपको अलग अलग सिचुएशन के लिए एक पर्टिकुलर टूल मिलता है, फॉर एग्जांपल ग्लास ब्रेकर, सीट बेल्ट कटर और भी काफी सारे। बट गाइस, इस टूल को खरीदने के बाद आपको और किसी भी टूल को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाइस ये प्रोडक्ट 4 टूल्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा। खैर, तो अब देख लेते हैं उन डिफरेंट टाइप्स के टूल के यूजर्स को। फर्स्ट, इसके फ्रंट में आपको एक ग्लास ब्रेकर देखने को मिलता है, सेकंड उसके ऊपर ही सीट बेल्ट कटर मिलता है, और थर्ड आपको इसमें एक टॉर्च भी मिलती है। फाइनली फोर्थ ऑप्शन, इसमें आपको एक इमरजेंसी SOS मोड रेड ब्लिंकिंग लाइट भी देखने को मिलती है, जो कि गाइस मेरे हिसाब से तो ये टूल काफी यूजफुल हो जाता है मेनली कार ओनर्स के लिए, जिसे आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से अंडर 500 रुपीज में परचेस कर सकते हो। आरलो कैमरा। दोस्तों, नॉर्मली आने वाले CCTV कैमरास को इंस्टॉल करने में काफी सारे काम होते हैं, मतलब उनके वायर्स को एक जगह पर इकट्ठा करना, साथ ही साथ उनके लिए एक पर्टिकुलर मॉनिटर की भी जरूरत होती है, जो कि घर के पर्पस आप पुराने हो गए, क्योंकि मार्केट में एक से बढ़कर एक स्मार्ट CCTV कैमरास मौजूद हैं, जिनमें से एक है आरलो कैमरा, जिसे इंस्टॉल करना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि इसके साथ आपको वायर्स नहीं मिलते, जिससे कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटडोर वॉल पर जस्ट आपको इसके होल्डर को स्क्रू की मदद से दीवार पर फिट कर देना होगा, जिसके बाद आपको उस होल्डर पर आरलो कैमरा को कुछ इस तरह से स्क्रू कर देना है। फाइनली उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन में इसके ऑफिशियल ऐप आरलो को डाउनलोड करना है, जिसके बाद आप इसमें अपने स्मार्ट कैमरे से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और बात की जाए इस कैमरे में इनबिल्ट हुए फीचर्स की, तो इस कैमरे में आपको फुल HD कैमरे का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ नाइट के लिए एक पावरफुल LED लाइट भी देखने को मिलती है, और इसमें मोशन डिटेक्ट का भी फीचर मौजूद होता है, यानी कि जब भी कैमरे के सामने कोई हलचल होगी, मतलब चोर वगैरह आएंगे, तो आपके मोबाइल में इंस्टेंटली अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसके बाद आप उस ऐप से सायरन को ऑन करके चोर को तो भगा ही सकते हैं, साथ ही साथ उस पर्सन को भी क्लियरली देख सकते हैं। स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, क्या आपको एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर चाहिए जो झाड़ू पोछा अपने आप ही कर सकता हो? तो मिलिए इस आखिरी अमेजिंग स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर से, जिसे यूज करने के लिए आपको इसे टच तक नहीं करना होगा, मतलब एक क्लीनर स्मार्ट होने की वजह से सारे काम अपने आप ही कर लेता है। खैर, तो अब देख लेते हैं इसमें इनबिल्ट हुए फीचर्स को। तो इसमें आपको स्केड्यूल का ऑप्शन मिलता है, साथ ही इसमें आपको 3 तरह के क्लीनिंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटो मोड, स्पॉट मोड और साथ ही साथ एज मोड। और बात की जाए इसमें लगे हुए ब्रशेस और डस्टबिन की, तो इसमें आपको अच्छे खासे ब्रशेस देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें 750 ml की डस्टबिन भी मौजूद होती है, और आपको इसके साथ 2 टैंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि है पहला डस्टबिन जो कचरे को साफ करने के लिए, और दूसरा वाटर मॉप जो कि वेट सरफेस को क्लीन करने के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्ट क्लीनर आलीशान घरों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो गाइज, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।